आज से गैरसैंण में शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 5 दिन तक चलेगा विधानसभा सत्र। सुबह 10 बजे कार्य मंत्रणा की होगी बैठक। बैठक के बाद शुरू होगा सत्र। पीएम मोदी ने राम मंदिर मामले में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि कपिल सिब्बल मुस्लिम समुदाय की तरफ से लड़ रहे हैं, और वो ये कैसे कह सकते हैं कि अगले चुनाव तक अयोध्या मामले का कोई हल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तुम्हें बीजी वकील ने दलीलों करो ना भाई, बंधारण ने कलमो टाको, लोकसभा की चूंटनी से माटे अने कोई वकबर चूंटनी लड़े भाई, कांग्रेस वाला कहे आ तो कपिल सिब्बल नो पोताना विचारो छे। जेएनयू ने राम मंदिर पर होने वाली चर्चा को रद्द कर दिया है। इस चर्चा में सुब्रमण्यम स्वामी को हिस्सा लेना था। स्वामी ने आरोप लगाया कि मेरे कार्यक्रम में हिस्सा लेने की वजह से कार्यक्रम रद्द किया गया। कपिल सिब्बल पर सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर पर सुनवाई टालने की कोशिश कर रही है। सिब्बल कोर्ट में वकील के तौर पर नहीं बल्कि एजेंट के तौर पर बहस कर रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि बड़े को छोटा करना महानता नहीं बल्कि छोटे को बड़ा करना महानता है। लखनऊ में समाचार प्लस की खबर का दमदार असर। यूपी आरएनएन के घोटालेबाज प्रोजेक्ट मैनेजर सत्यवीर पर कसा शिकंजा। एमडी ने तलब की घपलेबाजी की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर कांड का खुलासा। बेटा ही निकला मां और बहन का हत्यारा। हत्या के बाद खून से सने कपड़े छोड़कर फरार हुआ आरोपी। गाजियाबाद के धर्मपुर थाना प्रभारी पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। वैशाली पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही विजय चौधरी ने छुट्टी देने के नाम पर चक्कर लगवाने का आरोप लगाया। बाराबंकी के असंधा इलाके में पुलिस की बर्बर पिटाई से 22 वर्षीय गर्भवती महिला रुचि की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया। दरअसल घटना संबंध वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस रुचि के परिजनों को धमकाकर और गाली देकर उनसे रात के अंधेरे में जबरन अंतिम संस्कार करवा रही है। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में मिठाई की दुकान में अचानक आग लगने से सड़क बुझ गया। दरअसल आग इतनी भीषण थी कि जब तक कोई कुछ समझ पाता दुकान का सारा जमा सामान जलकर राख हो गया। कावसी के मुनकापुर खेवनाए गांव में सड़क और नाली के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। यहां सड़क और नाली निर्माण में खराब गुणवत्ता वाले सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश कबड्डी फेडरेशन के तत्वाधान में ऑल इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आयोजक राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विपिन बलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।